वो कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। और श्री गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा क्या? दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता पा, दैहिक दैविक भौतिकता पा, दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, हमारे श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्म भूमि में जब तक राम जी नहीं विराजमान हुए तब तक अयोध्या सुनी लग रही थी, और आज हमारे राम जी आ गए तो अयोध्या की उत्तम छवि है। वैसे वह पावन भूमि अपने आप में उत्तम उत्तम है, उस पावन भूमि की महिमा जितनी गाई जाए कम है, पर थोड़ी सी धर्म को मानने वाले आज हमें राजनेता मिल गए। परिणाम जिस राम जी को राजनीति में फंसा करके 500 वर्षों की कठिन तपस्या और अनेक अनेक लोगों ने न जाने कितने बेटों ने, कितने लालों ने, कितनी माताओं ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, न्योछावर कर दिया, आज उन सबका बलिदान स्वरूप थोड़े से, बहुत नहीं कह सकता हूं, थोड़े से धर्म को मानने वाले हमारे राजा मिल गए, तो परिणाम 5 वर्षों की हम समस्त सनातनी की तपस्या आज पूर्ण हुआ और राम जी दिव्य स्वरूप में विराजमान है। देखो तो ऐसा लगता है कि बस अपने आंखों से देखता ही, ऐसी अद्भुत छवि है प्रभु श्री राम की। और उनके आते ही श्री अवध धाम में अत्यंत खुशियां, आनंद ही आनंद है, सब प्रसन्न है। तो भगवान के श्री हरि, भगवान के श्री चरणों में जाते ही मनुष्य के सारे पाप ताप संताप नष्ट प्राय हो जाते हैं, ऐसे भगवान को हम सब मिलकर के श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले श्री राधा रमण सरकार की। और अब कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि जिस कथा को हम आपको सुनाने जा रहे हैं यही श्रीमद् भागवत की कथा। एक बार महाराज परीक्षित ने, महाराज परीक्षित के ऊपर श्री सुखदेव स्वामी ने, स्वामी जी ने कृपा करके यह कथा सुना रहे थे, श्रीमद् भागवत जी की कथा। उसी समय देव लोक से इंद्रादि जितने भी देव थे वो सभी अमृत कलश लेकर के आए, और अमृत कलश लेकर के आए तो क्या बोले? श्री व्यासी भगवान लिखते हैं, वसुधा का कथा लोके